Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel once again. हाँ भाई vlog आ रहे हैं, आते रहेंगे इंशाल्लाह, but ये वाला vlog भी कुछ खास है. Today आज आपको थोड़ी सी बताने लगे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह क्या होने वाला है. Fingers crossed अगर और को मसला ना हो. क्या है कि ये वाले बैग काफ़ी देर हो गई, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर एक टाइम था यूरोप हर जगह जाना, इस बैग ने मेरे साथ होना होता था. दुबई से मैंने ख़रीदा था, क्या कमाल मज़े थे. मतलब आई यूज़ टू लव ओपनिंग अप, यू नो, कीपिंग थिंग्स. एक्चुअली मैं ये ढूंढ रहा था, क्यों, आई नो कि इसका थोड़ा सा ना वाइड लेंस ये वो सारा, ऑब्वियसली ये भी जो लेंस लगा था ना ये अल्ट्रा वाइड नहीं है, वो है ये. बट क्या है कि ये लेंस जो है ना इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन ही है. एक्चुअली ये A6400 के अंदर कम्प्लीटली इमेज स्टेबलाइजेशन ही है. जो इसके साथ लेंस स्टॉक आती है ना उसमें है, बट इट इज ऑब्वियसली बहुत सारे आप पहले भी कंप्लेन करते हो यार थोड़ी सी शेकी है वीडियो जब टीवी पे देखो. आई नो, क्योंकि बॉडी के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन होना तो फिर क्या बात. नाउ दिस कैमरा कैनन का G7X, जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना तो ये मैंने लिया था. ये बहुत आला है, हैंडी भी है, ठीक है ना, फ्लिप स्क्रीन है, आराम से इस तरह करके व्लॉग कर सकते हो, और इमेज स्टेबलाइजेशन है. अब मैं ये क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, को वजह है, अभी मैंने जाना है, कान का ना थोड़ा सा इशू है, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो पहले मैं उसको जाके माँ जी के साथ चेक कराया हूँ. जैने जिस तरह बताया था ना, वालदाओं को बताओ तो भाई मसला पड़ जाता है, और यू नो उनकी तसल्ली जब तक ना हो तब तक कुछ नहीं चलता. तो मैं पहले वहाँ से होकर आता हूँ, फिर आप लोगों को आगे फर्दर बताता हूँ कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ. तो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन G7X Mark II, और मैं अभी वापस होकर आया हूँ कान वाले डॉक्टर से. जिससे मैंने बताया था, मैंने कहा आते साथ ये जो है ना वापस टेस्ट करता हूँ. ये देखो, ये ऊपर नीचे काफ़ी मैं वॉयलेंटली किस्म का शेक कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने बताना है कि वीडियो क्वालिटी बेटर है कि नहीं है. इसके ऑब्वियस ही बात है, वो कलर्स वो सारा कुछ नहीं आएंगे. और पीछे देखो ज़रा, ये मैं वीडियो टेस्ट कर रहा हूँ और ये भाई साहब खाना टेस्ट कर. लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम है ना फिजान, उसके वहाँ जो है ना एक्सटर्नल माइक लग जाता है. ये देखो ना, यहाँ एक्सटर्नल माइक मेरा मूड था, क्या अभी नहीं बताना क्या है क्यों है, लेकिन एक्सटर्नल माइक इसके ऊपर लग जाता है, जो कि पिछली दवा तो इतना कोई अच्छा नहीं था. इस दवा छोटे वाला ना शॉटगन माइक, तो शॉटगन माइक जो है ना वो बेहतरीन इस पर रहेगा. इसके कलर जो है ना जब आप टीवी पे देखोगे ना किसी चीज़ पे, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ मैं रखता हूँ तो ये बिल्कुल ऊपर चढ़ा जाता है, इसको मुझे काफ़ी हाथ स्ट्रेच करना पड़ता है. वेयर एज इस वाले कैमरा को, हालांकि ये भी छोटी है, वाइड लेंस नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं इस पॉइंट पे रखूँ ना तो काफ़ी बड़ा डब्बा आता है. लाल क्या था, लाल 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 है भाई, लाल है सारा टब्बर लाल है. बेगम को फोन कर इजाजत ले. ऐसी बात नहीं, कैसी बात है, झूठ बोलता है. चॉइस है भी लाल है. नहीं नहीं, वो लाल बंगड़े वाला डांस वो वाला स्टेप, वो स्टेप, वो स्टेप चॉइस है. तो वो ऐसे ऐसे लाल है भाई, लाल है. अभी आने दो ना, जरा आने दो सारा. वो भी इनको खाना बता जाता हूँ. एक ऐसी चीज है जो इनको भी नहीं पता. मैं तो सोचा था कि वो कपड़े जो है कौन से, अभी से मैं ले लूं कहीं अच्छी जगह से. लेकिन दिल्ली चाहता कार्ड पे पेमेंट करके हाथ मेरे किया ना, मैं चेक करूं कैमरे कैसे लग रहे, बड़ा तूने आगे आगे बड़ा तेज हो के कहते ये कुछ खास ही लगता कर रहे हैं. और देखो ओ आ गए, हेलो हेलो, लाल है सारा टब्बर, लाल है, लाल है भाई, लाल है साड़ी गड्डी, लाल है साड़ी गड्डी. अच्छा इनको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं हम क्या कर रहे हैं. फैजान मुझे नहीं पता, वो लगा हुआ है काम, काम लगा हुआ है. लेकिन दिया लाल है भाई, लाल है सारा नॉटी नॉटी वेरी नॉटी वेरी है. मेरे साथ आपको पता है क्या, मेरे साथ रहना है. तो फाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जो उस वक्त हमें नहीं पता था, वो किसी को भी नहीं पता. अच्छी न्यूज है बुरी है, पहले ये बता. यार ये तो बाप ही डिपेंड करता है. लाल है भाई, लाल लाल है, लाल है, फिर तो बुरी लग रही है. साहब आप प्लीज, आप ऑनर्स करेंगे जो भी है. सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका एक दफा फिर थाईलैंड.
लाल है, लाल है, लाल है। लो जी, इसके बाद मैं मुबारक देना चाहूंगा किसको? अपने भाइयों में जान सेव से। थैंक यू चाई साहब। और उसके बाद मैं मुबारक देना चाहूंगा मोहम्मद फैजान को, जिनको बड़ी परेशानी थी कि मेरा पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मुबारक मैं अपने आप को दूंगा कि मेरा क्या लाल है भाई, लाल है। और आपका भी लगा है, मगर वो मैं आपको कैमरे में नहीं बता सकता कहां। अंकल मजबूर दूंगा, अंकल मजबूरियां सारी दूर कर देगा। अंकल मजबूर को हमने बड़ी कोशिश की कि ये थाईलैंड हमारे साथ जाए। आप लोग को तो अब समझ आ गई होगी कि हम लोग कहाँ का प्लान बना रहे हैं। तो भाई अंकल मजबूर जो है ना, वो कहते हैं मैं मजबूर नहीं हूँ, आप लाचार हूँ। लाचार हो गया जब से शादी हुई है। नौरानी चेहरा देखो जरा, ये देखो, ये नौरानी चेहरा देख रहे हो शादी के बाद? तो जाना चाहता था मगर क्या क्या नहीं जा पाया। क्यों? लाचार हो, ये लाचार हो गया, मजबूरी है, एक मजबूरी है, ये नहीं जा पाया। तो भाई हम थाईलैंड जा रहे हैं। अब थाईलैंड में जो है ना, आपको पता है कि चिड़िया ही चलती हैं। तो अब फाग है, न्यू अनाउंसमेंट, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड नो रेड। अब जो व्लॉग शुरू से देखते हैं ना, हमने थाईलैंड से एक्चुअली ट्रिप का व्लॉगिंग का आगाज किया था। वो अगर ब्लॉग्स में जाओगे ना, जो गुम भी गए उसमें भी लाल चड्डी थी, और जो बचे हुए ना जो यूट्यूब पे, उसमें भी फाग की लाल चड्डी ही थी। मेरे पास 5-6 थी, बकवास कर रहे हैं, कहते हैं कसम ले ले, कसम ले ले, सुबह जो है ना धो के पहन ले, ऐसे होते हैं धो के ही। स्विमिंग करके ये पता क्या करता था कि यार मैंने स्विमिंग करनी है, स्विमिंग। हम लोग हैरान थे कि यार इधर आके इसको स्विमिंग याद आई। वो बाद में समझ आया कि कच्चा धोना होता था। कभी कभार मैंने वैसे भी किया। अच्छा। मेरे जेब में साबुन होता था, वो साबुन मैं ऊपर से मल लेता था। ना भी लेता था तेरे कर था, उसी यूज किया था। फिर सागर को पता साबुन क्यों यूज करता था? क्यों? इसको तो पता ही है ना। क्यों सागर? ये कटा मीठा कट। यार मैंने इस दफा बेबी ऑयल भी लेके जाना है। क्यों? साकिब और मैं इकट्ठे स्टे कर रहे हैं। ओए यार, साकिब के साथ जो भी रहा है ना, मैंने यूरो ट्रिप किया हुआ है तो उसके अंदर तो अल्लाह ही हाफिज है। सुबह नहाता नहीं था, ब्रश नहीं करता था, धक्के दे के कहना पड़ता था भाई कर लो। इस दफा साकिब के लिए टूथब्रश मैं लेके जाऊंगा, कसम से। ठीक है, पेस्ट आपने पकड़नी, ठीक है, ठीक है। और मैंने सोचा ये कि जिससे वो कपड़े नहीं धोते, हाँ, यूं रगड़े करते। वैसे तो मगी भी इस ट्रिप का हिस्सा था, लेकिन मगी साहब एज यूजुअल मुरीद हो जाते हैं, तो वो मजबूर मुरीद हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, असल मजबूर देख, क्या तूने कहा? असल मगी तू देख रहा है ना, तो तेरे बारे में सबका यही अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो हम चार तो जा रहे, इसका कुछ नहीं कर सकते। और तो वी वांटेड के ही हमारे साथ जाए, लेकिन क्या हो सकता है साकिब, है ना? लेकिन ठीक है, चलेगा, एक बाल टाउन पूरा खाली कर दिया है, लेकिन बाल टाउन से जितनी थी सब खरीद लाए, स्टॉक शॉर्ट, डिफरेंट 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 कलर्स की। मेरा इस दफा मूड है पिंक ज्यादा की तरफ जाने का। यार मैं तुझे एक कलर बताऊं, तूने रेनबो कलर्स ले ले सारे। ओए इस दफा ये जाली वाली भी ले यार। कट कट नहीं, और क्या, और बोल ले नहीं नहीं बोल ले तू बोल, इनका भी बताना है, बोल 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 बोल, खुश हो रहे हैं ना, बोल। ओए क्या कमाल लगी, ऐसे लगेगा बड़े गोश्त की दुकान। लगा दिया उसने तेरे। फैजान साहब जो है ना इस वक्त अपनी पेट पूजा, मतलब इसमें चार कबाब थे जिसमें, और यार क्या हो गया, दो थे। रोटियां भी तीन नहीं थी, सिर्फ ये तीन पीस थे, है ना? और ये क्या है नहीं बताऊंगा। हाँ तो अब कहते हैं ना, जो भी कहे फैजान कुछ खाता नहीं, तुम उसको गलत कहते रहते हो, तो भाई ये आपके सामने। एंड बाय द वे, बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स वगैरह किया था कि यार इन रिगार्ड्स टू के यार वो जो स्टोन वाला मसला था, हम तुम्हें ये चीज़ बता रहे हैं, ये कुछ यूज़ कर लो। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था
राइट नाउ जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज हर्ब एंड डॉक्टर श्वाबे के क्या बला है, क्या हुआ है पेट्रोल पंप की लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी कि पीछे तक वेलकम ट्रैफिक ब्लॉक थी और फुटपाथ पर आके बाइक लेके ये क्या हुआ है कि अभी जो है ना विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड, मेरा था कि 200 रुपए लीटर तक जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली 210 आज का, हाँ मैंने 200 की आवाज़ दी थी, 210 की मैंने आवाज़ नहीं दी थी, दस से 15 रुपए मैंने 10 से 15 रुपए और साथ ग्रैबर भी आ गया, ग्रैबर ने भी मुझे फोन किया कहते हैं यार क्या हो गया है डिफेंस में, और मैंने वो काम किया क्या आर्मी वालों ने गाड़ी मोड़ी, अच्छा मिलिट्री की जीप जो थी उसके पीछे मोड़ दी, वो जहाँ जहाँ से निकलता गया मैं भी निकलता गया हूँ, चाहे पीछे पुलिस पिट रही है जो तू ग्रैबर था ना तेरे पर, और ये भी डिलीवरी देने गए थे ये भी फंस गए गिरजा चौक पे, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत जरूरी है जैसे ही है जैसे फिजान का मुंह जो है ना बंद करा दे डाइटिंग के लिए जो कि बहुत मुश्किल है, क्या बोल रहे थे मैंने सुना नहीं, नहीं अच्छा हुआ है सुना नहीं बिकॉज आपको अच्छी नहीं लगनी थी ये चीज हमारी है ना मगी, हाँ जी जाम के डाइट के बारे में वैसे ही बात बहुत टची करती है, कोई अच्छी चीज आजकल आपके मुंह से निकल रही है साकिब के मुताबिक, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तैयार हूँ थाईलैंड जाने के लिए और आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, जाओ फिर आप, शुक्र है डॉलर थोड़ा सस्ता हुआ है वरना तो वो भी वाट लग गई थी भाई, ये भी आपके सामने पेट्रोल पंप है, दूसरा तो हम दिखा नहीं सके, दिस इज एक्चुअली गार्डन टाउन का पेट्रोल पंप, इधर तो लाइनें बहुत छोटी हैं लेकिन ये फूड डिपार्टमेंट है, ये आप कैसे रख रहे हैं, नहीं प्रॉन हुआ हूं, प्रॉन उस दिन सारे खराब हो रहे थे उसकी वजह से, क्या वो बेकिंग पाउडर जो था ना वो पागल के बच्चे दूसरे वाला यूज कर, नहीं नहीं दूसरा यूज कर, उस दिन तूने प्रेग्नेंट प्रॉन खिलाए हैं, आज तू क्या चाहता है, प्रॉन खाऊंगा बाकी उस दिन ऐसे प्रेग्नेंट प्रॉन खिलाए, नहीं नहीं एक्चुअली प्रेग्नेंट प्रॉन खिलाए मैंने उनको, इसलिए ऊँचा कि पीछे और कोई बैठा है तो इसलिए मैंने कहा जरा आहिस्ता, वो देखो चुप करके प्रॉन खा बैठे हैं और खाना तो खाया नहीं, इतनी डंडी तो इतनी थी उसकी डंडी प्रॉन वो वाला खिलाता ना तो मगी जी की को एहसास होता, मगी मुरीद उसका भी हो जाता हैं, नहीं क्या किया क्या तूने इधर देख के बता ना, सारी बातें मैंने बताया था, हमारे देखा कि खाया था, मैं यही बात बताना चाह रहा हूं, लेकिन तूने किया क्या, वो कर ही रहा था कि जो मासना बेसिकली वो ही अशफाक से हमारा मिलता है लालच की बड़ा डबल ले तो कॉपी शर्म लगती है, लेकिन यार आप लोग बता दो कि भाई आप पासपोर्ट चाहिए होता है ना अगर डॉलर खरीदते हैं बाहर जाने के बाद, पासपोर्ट ना भी हो ना आईडी कार्ड और टिकट जरूरी है, अरफात के बकौल वो कोई चीज़ जरूरत नहीं है, लेकिन थाईलैंड की खुशी में मैं समझ सकता हूँ तेरे जज्बा, कोई नहीं थाईलैंड यार ये तीन दो और तीन पाँच पाँच हजार डॉलर लेगा, लाओ 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 पाँच ही सही, ठीक है ना प्रॉन तो है ना एज लॉन्ग एज प्रॉन हो ना,
तो हम इस ब्लॉग को यहाँ ही खत्म करते हैं क्योंकि बहुत सारी गपशप लगी थाईलैंड के मुताबिक मगी मुरीद हो गया हमारा भी लेकिन जान फिर भी नहीं रहा। तो आज आने वाले वक्त में आपको फर्दर अपडेट करते रहेंगे कितने पैसे दिए मैंने कहा ना जिस तरह सारा कुछ है। और इस ब्लॉग को यहाँ ही खत्म करते हैं क्योंकि रात के 1:30 बज चुके हैं और अब कुछ नहीं और दिखाने को। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ स्टे हेल्दी चाओ बाय। Yeah, wish, but Molly, what's the beer?